है, जो आज की पीड़ा है बलूच की, उसमें भारत को जुड़ने की आज जरूरत है हमारे साथ। तो आज बलूचिस्तान को उनके प्रोएक्टिव रोल की जरूरत है, जो लाल किले से बोला था उस पर अमल करने की जरूरत। कहना चाहूंगी कि बलूचिस्तान की जो एक्स चीफ मिनिस्टर ने या प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो लेडी है शायद, उन्होंने जो बात कही है, उनके दिल का दर्द निकला है। और इस बात से कोई भी इनकार, निमरा आपकी उम्र कम है, लेकिन कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि पाकिस्तान आज ऐसे दुर्दशा पर आकर खड़ा हो गया है, जो कहता जरूर है कि हम इस्लामिक देश हैं और हम कुरान पर चलते हैं। तो मुझे कुरान का वो पारा, निमरा, आप बता दीजिए जिसमें धर्म परिवर्तन की अनुमति दी गई है। मुझे कुरान का वो पारा बता दीजिए जिसमें पीरियड्स के बाद 9 साल की बच्चियों का निकाह करना जायज हो गया है। मुझे ये भी आप बता दीजिए कि अपहरण की धमकी और मंदिरों को तोड़ने की बात बताई गई है। मुझे ये भी आप बता दीजिए कि अगर आप, निमरा, बहुत ज्यादा इस्लाम मानती हैं और आप अपने आप को प्रो इस्लामिक कहती हैं, तो फिर आपके आपके चेहरे पर इतना मेकअप भी नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये तो हराम है हमारे कुरान के हिसाब से, बिल्कुल हराम है। आपको आपको शायद बुरी लग जाएगी मेरी बात, ये सिर्फ इस्लामिक देश करके, देश गोल करके 75 सालों से मुस्लिम कंट्रीज को कन्विंस करके भीख मांग करके लेकर आता था पाकिस्तान, पर इसने पाकिस्तान की अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। अपना एक देश बनाना है मुसलमानों को, ठीक है, जितने भी मुसलमान जो पुनसहन थे, जितने भी मुसलमान जिनकी जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, सोचा कि एक नया नया इस्लामिक देश बन जाएगा तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को बहुत ज्यादा प्रिविलेज मिल जाएगा। वो वक्त से लेकर के आज के वक्त तक हिंदुस्तान के मुसलमान हो या पाकिस्तान के मुसलमान हो, ये दो ही मुसलमान हैं जो इस्लामिक नाम दे दे करके प्रिविलेज लेते आए हैं और अब तक लेने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान तो खैर इस्लाम, क्राइम मतलब पाकिस्तान, किडनैपिंग मतलब पाकिस्तान, कन्वर्शन मतलब पाकिस्तान, अपहरण मतलब पाकिस्तान, चाइल्ड मैरिज मतलब पाकिस्तान, गुंडागर्दी मतलब पाकिस्तान, बम बारूद गोला मतलब पाकिस्तान, धमकी मतलब पाकिस्तान, अजमल कसम मतलब पाकिस्तान, उसामा बिन लादेन मतलब पाकिस्तान। हर वो इंसान आज कलेजा पीट करके पाकिस्तान में रो रहा होगा जो आजादी के वक्त जिन जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान को चूज किया, ये सोच करके कि अरे वो तो इस्लामिक देश बन रहा है, तो अब तो मेरी तो नैया पार हो गई।